नमस्कार, नाइट मेडिटेशन में मैं आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, रात्रि वो समय होता है जब हमारा मन विश्राम करता है। इस स्थिति में हमारे मन में जो भी होता है, चाहे सकारात्मक या नकारात्मक, ये हमारे डीप ब्रेन यानी सबकॉन्शस माइंड में उतर जाता है। इसलिए ये जरूरी है कि सोने से पहले हम अपने दिमाग के सारे कचरे को साफ करें, ताकि हमें एक अच्छी नींद आए और हमारी बॉडी अपने हीलिंग प्रोसेस को तेज कर सके। तो चलिए हम इस ध्यान की शुरुआत करते हैं। इस ध्यान को करने के लिए आप आराम से बैठकर या लेटकर कर सकते हैं। आराम से बैठ जाएं या लेट जाएं, अपने आप को पूरी तरह से कंफर्टेबल करें, रिलैक्स करें। एक लंबी सांस लें और उसे छोड़ते हुए अपनी आंखों को बंद करें, और तीन गहरी सांस लें और छोड़ें। पहली सांस अंदर अंदर अंदर, उसे होल्ड करें और धीरे धीरे उसे छोड़ें। आपकी बॉडी रिलैक्स हो रही है। एक और गहरी सांस अंदर और धीरे से बाहर। एक और गहरी सांस अंदर और धीरे से बाहर। अब आप अपने शरीर को ढीला पड़ जाने दें, विश्राम करने दें। मन ही मन शरीर का अवलोकन करें या स्कैन करें कि आपके शरीर में कहाँ तनाव मौजूद है। स्कैन करें कि स्ट्रेस कहाँ है और टेंशन कहाँ है। जैसे जैसे आप अपनी चेतना उस स्ट्रेस पर डाल लेंगे, आपका शरीर ढीला पड़ने लगता है, तनाव शांत होने लगता है। अपने पूरे शरीर के साक्षी बन जाए, जहाँ कहीं भी तनाव मौजूद है, और वहाँ अपनी चेतना को ले लें। या कंधा हो, आपके कूल्हे हो, आपका शरीर का कोई भी भाग हो सकता है, गर्दन भी हो सकता है, सर भी हो सकता है। अपनी पूरी चेतना को अपने शरीर के ऊपर लगाएं। धीरे धीरे आपका शरीर शिथिल होते जाता है, ढीला पड़ने लगता है। सिर से लेकर पैर की कोशिकाएं बिल्कुल विश्राम में जा रही हैं और आपका मन शांत हो रहा है, आराम और मेडिटेशन की स्थिति में जा रहा है। जस्ट डीपर डीपर एंड डीपर। एक बार फिर से शरीर पर अपनी चेतना को रखें और उसके साथ अपने सांसों के भी साक्षी बन जाएं। सांसें जैसे जैसे चल रही हैं वैसे चलते देना है, उसे बदलने की कोशिश नहीं करना है। अंदर आती हुई सांसें और बाहर जाती हुई सांसें, उसे सिर्फ ऑब्जर्व करते हैं। अब आप ये देखें कि आज आपके साथ अच्छा क्या हुआ। तीन ऐसी घटनाओं को याद करें जो कि आपके साथ अच्छी हुई है। जैसे आपको आपकी सैलरी मिल गई, या किसी ने आपको अप्रिशिएट किया हो, या फिर एग्जाम में पास हो गए, या कोई रिश्तेदार अचानक मिल गया हो। तीन से चार घटनाओं को याद करें। इसके लिए आप परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहें, या जिसको आप एक अच्छी घटना कहना चाहें, और जो जो उन घटनाओं में अपने माइंड को फोकस कर रहे हैं, आपका दिल बड़ा होने लगा है, आपके अंदर अच्छी संवेदनाएं, अच्छी फीलिंग पैदा होने लगी है। जस्ट इंजॉय दिस सेशन। अब आप ये देखें कि आज ऐसा क्या हुआ कि आपके साथ बुरा हुआ, या आपको किसी ने हर्ट किया, या किसी ने आपकी उम्मीद के विपरीत कोई कार्य किया।
उनकी शकल को अपनी आंखों के सामने लाए और दिल से उनको माफ कर दें। ये जिम्मेदारी नहीं है, जितना ज्ञान उनके पास है और जितना अनुभव उनके पास है उसके हिसाब से उन्होंने बेस्ट परफॉर्मेंस दिया है। हर कोई अपने चेतना के अनुसार ही कार्य करता है। एक चींटी दीवार पे चढ़ तो सकती है लेकिन पहाड़ पे नहीं चढ़ सकती। बस इन बातों को याद रखते हुए आप इन लोगों को या इन घटनाओं को क्षमा कर दें, इसलिए नहीं कि ये क्षमा के पात्र हैं। हाँ, हो सकता है तुमने मेरे साथ बुरा किया है या मेरे अपेक्षा के विपरीत कोई कार्य किया है, लेकिन मैं तुम्हें क्षमा करना चाहता हूँ। और अब आप पूर्ण शांति में हैं। अब आप इन अफर्मेशन को मेरे साथ साथ दोहराएं। अब मैं एक गहरी नींद में जाने वाला हूँ और इस नींद में मेरी एक एक कोशिका शरीर का रोम रोम फिर से शक्तिवान और ऊर्जावान होने जाएगा। इस गहरी नींद में मेरे शरीर का कण कण शक्ति से परिपूर्ण हो जाएगा। मेरी पूरी शक्तियाँ फिर से चार्ज हो जाएंगी और मैं अगले दिन अपने शरीर के 2 गुना ज़्यादा परफॉर्म कर पाऊँगा। मेरे अंदर एक प्रेम का समुंदर है। कल चाहे कोई कुछ भी कहे मुझे, लेकिन मैं हमेशा मुस्कुरा कर आनंद में ही जवाब दूंगा। मैं अपने कार्य में दक्ष बन रहा हूँ। मैं कुछ भी कर सकता हूँ। और अब आप ये देखें कि कल क्या क्या काम है, अर्जेंट क्या है। सिर्फ उन 3-4 कामों की सूची बनाएं जो कल आपको करना बहुत ज़रूरी है। जैसे बैंक में जाना हो सकता है, कोई डॉक्यूमेंट बनाना हो सकता है, किसी रिश्तेदार से मिलना हो सकता है, किसी बिजनेस या व्यापार के लिए मीटिंग करनी हो सकती है। जिसे आप करना जरूरी समझें उसे आज ही सबकॉन्शियस माइंड में डाल दें ताकि कल उसे टालने की कोई वजह ना मिले। और आप परमेश्वर को धन्यवाद दें कि तुमने आज का मुझे ये जीवन दिया, इसके लिए धन्यवाद। मेरा शरीर स्वस्थ है, इसके लिए धन्यवाद। मुझे आज भोजन मिला, इसके लिए धन्यवाद। धन्यवाद मेरे मालिक, धन्यवाद मेरे प्रभु।